खबर है निशा मेजर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करी हूँ कि जब राजपूती पोशाक हम पहनते हैं और उसको हम थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देना चाहते हैं तो किस तरीके का आई मेकअप हम करें, किस तरीके का फेस मेकअप हम करें, किस तरीके से एक्चुअली में मेकअप करें। अगर आप मेकअप से नए हैं, मेकअप आपको नहीं करना आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सीख जाएगी किस तरीके से आपको मेकअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे प्राइमर से। और इसमें यूज़ करी हूँ मैं नायका का प्रेप मी अप प्राइमर, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस भी जो है ना काफ़ी अफोर्डेबल है। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ मेबेलिन का फिटिंग फाउंडेशन द शेड 310 सन बी, जिसको मैंने मेरे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया एज यू कैन सी दैट। देन उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी मेरे रियल टेक्निक्स के ब्यूटी स्पॉन्ज से। एंड मुझे स्पॉन्ज से ही अपना फाउंडेशन ब्लेंड करना पसंद है क्योंकि ये ईजी है। और आप भी अगर चाहें तो स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आपको स्लोलेस फिनिश चाहिए तो आई विल यू नो रिकमेंड यू द स्पॉन्ज। एंड देन उसके बाद डोंट फॉरगेट योर नेक, क्योंकि अगर अपने नेक पे नहीं लगा रहे हैं सिर्फ फेस पे लगा रहे हैं तो आपका फेस अलग ही एक तरीके का मास्क जैसा लग सकता है। तो डोंट फॉरगेट योर नेक, वहाँ पे हमेशा लगाएं। उसके बाद में मैं फिल करने वाली हूँ मेरी आईब्राउज, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का ब्राउ पाउडर। एंड ले लिया है आज मैंने लाइट वाला शेड, बिकॉज मैं आज ट्राई करने वाली हूँ लाइट शेड, बिकॉज मैं अपनी आई मेकअप जो है थोड़ा सा हार्ड करने वाली हूँ, आई मीन थोड़ा ड्रामेटिक करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी ब्राउज को है अपनी लाइट शेड का अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद में मैं यूज़ करी हूँ इस एसेंस का ब्राउ जेल, और मैं इसको सेट कर दूँगी मेरी ब्राउज, जिससे कि पूरी जो मेरी ब्राउज है ना वो हमेशा सेट रहेंगी, मतलब हिलेंगी नहीं अपनी जगह से। देन मैंने कंसीलर के ऊपर एक फ्लैट ब्रश ले ली, फ्लैट ब्रश के ऊपर सीलर ले लिया है। एंड मैं क्लीन करने जा रही हूँ मेरे ब्राउज का, जो भी कोई रेसिड्यू इधर उधर लग गया है ना उसको क्लीन कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरी ब्राउज जो है शार्प लगेंगी, सुंदर लगेंगी और जो है हाईलाइटेड लगेंगी। एज यू कैन सी कि मैंने चारों तरफ से जो है अच्छे से कंसीलर से कवर कर लिया है। देन उसके बाद में मैंने सेम कंसीलर को अपनी आईलिड के ऊपर और अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है एज अ आई शेडो बेस। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना आई शेडो लगाऊंगी ना तो मेरा आई शेडो के सारे कलर्स खिल कर आएंगे, मेरे आई की पिगमेंटेशन से मिक्स मैच नहीं होंगे। देन उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी मेरे सेम स्पॉन्ज से और उसको सेट कर लूँगी मेड इन न्यूयॉर्क के कॉम्पैक्ट पाउडर से। देन उसके बाद में मैंने अपने अंडर आइज को भी सेट कर लिया है सेम पाउडर से। एंड मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ स्वेट एंड वाइल्ड का न्यूड अवेकनिंग पैलेट, और मैंने ले लिया ये ब्राउन कलर। उसको मैं यूज़ करूँगी अपने ट्रांजिशन के अंदर, ट्रांजिशन जो होता है आईलिड के अंदर जो बीच की ये लाइन आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एक्जैक्टली ये पाउडर, वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। देन मैंने ले लिया है रेड, ब्राउनिश रेड सा कलर, एंड इसको मैंने अप्लाई कर लिया है मेरे आउटर वी कॉर्नर में और साथ ही साथ में नीचे जो लिड है ना वहाँ पे भी अप्लाई कर लिया है। देन मैंने लिया है डार्क ग्रे सा कलर और उसको जहाँ मैंने रेड कलर लगाया था ना उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ में लगा लिया है ताकि मेरी आईज़ जो है और डेप्थ में लगें और ज़्यादा ड्रामेटिक लगें और ज़्यादा सुंदर लगे। और साथ साथ मैंने इसको जो अपने नीचे की तरफ में आंखों के वहाँ पे भी लगा लिया है। पूरी लिड को कवर करने के लिए मैंने ले लिया एक गोल्डन कलर, जो कि बहुत ही सुंदर लगने वाला है और पूरा जो हमारा मेकअप में लाइफ टाइम लाइफ आने वाली है ना वो इसी कलर से आने वाली है। ये मैंने कर लिया। और उसके बाद मैंने ले लिया एक क्लीन ब्रश और उससे जो भी कोई हार्श लाइन बन गई है ना उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप न्यू कमर्स हैं ना तो अपनी जो थोड़ी बहुत एक दो बार अगर अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे ना उसके बाद में आप जो है परफेक्टली ये मेकअप कर पाएंगे, बहुत ईजी है एक्चुअली में करना। तो उसके बाद मैंने ले लिया है नायका का रॉक द लाइन काजल और इसको अप्लाई कर लूँगी मैं एज अ लाइनर, और साथ साथ में मैं इसको अप्लाई कर लूँगी मेरी लोअर लिड के ऊपर भी आहबर सिर्फ आधी में ही, बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। और साथ मैंने अपनी टाइट लाइन भी कर ली है काजल को। एंड देन मैंने ले ली है एक ब्रश जिसके ऊपर सेम ब्राउन कलर जो मैंने पिक किया था पहले वही मैंने ले लिया, और उसके बाद में उसको काजल को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अपने फेस को पतला दिखाने के लिए मैं थोड़ी करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग, और उसके लिए लिया है मैंने हूला का ये कॉन्टोरिंग पाउडर, और उसको मैंने अब जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये अपने पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कॉन्टोरिंग पाउडर लगाना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा फेस जो है थोड़ा पतला लगता है, जैसे कि अभी मेरा फॉरहेड जो जो है ना इससे थोड़ा पतला लगेगा अगर मैं इसको जो आउटर एरिया है यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। अपनी चीक बोन्स के नीचे जो लगाने से जो होगा मेरा फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यू नो शेप्ड लगेगा। एंड देन साइड में जो मेरी नोज़ कॉन्टोरिंग है उसके लिए मैंने ले ली है एक सिंपल फ्लफी ब्रश, इससे जो है मैंने साइड में अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग कर ली है। उसके बाद मैंने ब्लश और मस्कारा लगाया था जिसकी फुटेज मेरे पास नहीं है, बट ये मैंने अप्लाई कर लिया है। और हाईलाइटर के लिए मैंने चूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का स्नो फ्लैक हाईलाइटर, जो कि बहुत ही सुंदर है एज यू कैन सी दैट। मैंने इसके लिए लिया है एक सिंपल सी ब्रश, उससे मैंने पिक करके जो है अपने जितने भी फेस पे हाई पॉइंट्स हैं मेरी चीक बोन मेरी नोज़ की ब्रिज एंड यहाँ पे सब जगह जो है मैंने अपने ये हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है।
अपने इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर लगाने से क्या होता है कि हमारी आंखें जो है ना खुली खुली और काफ़ी बड़ी लगती हैं, तो अगर आप अपनी आंखों को बड़ी दिखाना चाहते हैं ना तो इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लगा लिया अपनी ब्राउज के नीचे ताकि मेरी आंखें जो है और ज़्यादा शार्प लगे, मेरी ब्राउज और ज़्यादा हाइलाइटेड लगे। इससे जो है अपनी ब्राउज और हाइलाइटेड लगती है। अपने फेस को नेचुरली ग्लोई दिखाने के लिए मैं थोड़ा फोरहेड पर लगाऊंगी और लिप्स के ऊपर हाइलाइटर लगाने से आपकी जो लिप्स है थोड़े प्लम्प लगते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिप लाइनर जो कि है मेबेलिन का। इसका शीट का जो नाम है एग्जैक्टली वो मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए उनका एग्जैक्ट नाम, उनका एग्जैक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं लाइनर को फिल कर रही हूँ मेरे पूरे लिप्स के ऊपर, लिप्स के अंदर, ताकि जो मेरी लिपस्टिक है काफ़ी देर तक टिकी रहे, लॉन्ग लास्ट रहे। तो वही मैं करने वाली हूँ, पूरी मैंने लिप लाइन कर लिया और साथ साथ के अंदर उसके अंदर की तरफ फिल कर लिया। देन आई एम गोना यूज़ दिस एस्टी लॉडर की लिपस्टिक। इसका भी शेड का नाम जो है ना कैच नहीं कर पा रहा है कैमरा, पर मैं उस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम एग्जैक्ट दे दूंगी। ये मतलब बहुत ही प्यारा सा कलर मुझे लगा। एंड यहाँ पे जो है मेरा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो गया है। अगर आप कहीं यू नो 3-4 घंटे तक इस मेकअप को अप्लाई करके रखने वाले हैं ना, तो आप सेटिंग स्प्रे भी लगा सकते हैं, उससे जब आपका मेकअप है और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रहेगा। खूब ही सुंदर ये मेकअप हुआ है, एज यू कैन सी दैट। उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूँगी मेरे सिंदूर और बिंदी से, बिकॉज आई एम गोना वेयर द ट्रेडिशनल राजपूती ड्रेस नाउ। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, एज यू कैन सी दैट। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, आपको जो मेकअप लुक है, अच्छा लगा होगा। ये मेकअप ट्यूटोरियल आई जस्ट होप कि आपको लोगों को जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑल्सो इसे राजपूती लेडीज के लिए नहीं, कोई भी इस मेकअप को आराम से कर सकता है, किसी भी ड्रेस के साथ भी बहुत ईजी है, सभी के साथ में जाएगा। तो यहाँ पे खत्म होती है ये वीडियो। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दिस लाइक बटन। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनी साहब।